आने वाले साल की खुशी और अपने जन्मदिन का इजहार शवासत द्वारा किस तरीके से किया गया, जिसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। लगातार 20 वर्षों से शवासत अपने जन्मदिन और आने वाले साल की खुशी को इसी तरीके से मनाते हैं। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गौमाता प्रेम की अद्भुत तस्वीरें हैं। गोला बाजार वार्ड नंबर 3 से सवासत ब्रजेश कठेरिया की ओर से नववर्ष के आगमन और अपने जन्मदिन के अवसर पर गौ माता के प्रति अटूट प्रेम दिखाया गया। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं, यह सिलसिला सिर्फ इस बार का नहीं है, बल्कि यह सिलसिला लगातार 20 वर्षों से जारी है। ब्रजेश कठेरिया हर काम एक अनोखे अंदाज में करते हैं, सबसे हटकर उनका हर काम रहता है। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी हैं। अक्सर कई नए साल और जन्मदिन का सेलिब्रेशन लोग जश्न मनाकर करते हैं, कोई वृद्धा आश्रम पर जाकर करता है, लेकिन गौ माता के प्रति प्रेम की अनोखी तस्वीरें नववर्ष के आगमन और अपने जन्मदिन के अवसर की तस्वीरें हैं। ब्रजेश कठेरिया अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष गौशाला जाते हैं और गौ माता को भोजन आदि खिलाकर अपने जन्मदिन को मनाते हैं। उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वर्ष भी उन्होंने अपने नित्य कार्य को अंजाम दिया है और क्या कुछ बताया है, जरा आप ही सुनिए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कठेरिया। सर, आप अक्सर यहाँ पे आपका आना जाना होता है इस गौशाला में, ऐसी क्या खास बात है, विशेष बात है जो आप यहाँ पे अक्सर आते हैं गौशाला में? आज तो नई साल का दिन है और आज मेरा बर्थडे भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई त्यौहार होता है, जब भी मेरा बर्थडे होता है, तो मैं गौ माता के साथ मनाता हूँ। ये मेरा आज से नहीं, 20 बरस से ये मेरा चला आ रहा है और जब तक मेरा जीवन है तब तक ये चलेगा। लगातार देखा जा रहा है कि काफ़ी जैसे गौ गायों को लोग पूजा नहीं करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो मतलब किस तरीके के ये भावना है लोगों के अंदर और क्या सोच रखनी चाहिए? देखो भैया, किसी की भावना को तो मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन कौन क्या कर रहा है इससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे क्या करना है इससे मुझे लेना देना है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसका भगवान जाने। यहाँ लगभग गाय अंधी है और गाय की मात्रा करीब 1000 है। 1000 में करीब 100 गाय अंधी है जिनकी मैं विशेष तरीके से सेवा करता हूँ।